हेलो एवरीवन, हल्का सा ये साइड कर दे, हल्का सा मेरी साइड घुमा दे। हेलो, वेलकम एवरीवन। प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन हियर मी क्लियरली, इफ़ यू कैन वॉच मी क्लियरली, तो प्लीज़ येस टाइप कर दें या एक थम्स अप दे दें। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल क्लियरली? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं? हेलो, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे स्पेशल नवरात्रि सीरीज में। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अमूल। कितने लोग जुड़े हैं? हेलो, वेलकम टू अमूल लाइव सेशंस, और आप सबका स्वागत है इस लाइव सेशन में। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आप सबके साथ। वैसे तो आप मुझे पहले देख ही चुके होंगे, अमूल के लाइव मैंने किए हैं, बट फिर से एक बार मैं अपने आप को आप सबके सामने इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम मिसेस गायत्री रतन है और मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू थैंक अमूल फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अमूल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आके अपना जो भी कुकिंग स्किल है आप सबके साथ शेयर कर सके। तो सबसे पहले तो विशिंग ईच एंड एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। उम्मीद करती हूँ आप सबकी नवरात्रि, आशा करती हूँ आप सबकी नवरात्रि शुभ हो और सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले। उसी के साथ हैप्पी रमज़ान टू ऑल माई फ्रेंड्स। सारे त्यौहार साथ में आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि मिलना जुलना ज़्यादा हो नहीं पा रहा, लेकिन थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू अमूल कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरे इंट्रोडक्शन में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा नाम मिसेस गायत्री रतन है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा एक कुकिंग चैनल है जिसका नाम है गायत्रीज कुकिंग क्लब, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से मेरा चैनल 100K हिट करने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। और जो नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी विजिट नहीं किया है, प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे जाइए और वहाँ पे रेसिपीज़ देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं बेकिंग और कुकिंग क्लासेस लेती हूँ और मेरा खुद का एक होम ग्रोन ब्रांड है प्रीमिक्सेस का, जिसमें मैं प्योरली होम मेड प्रीमिक्सेस बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ और सेल करती हूँ। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स FSSAI रजिस्टर्ड। तो बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। तो आज की जो स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल की, वो है केसर पिस्ता फिरनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कितने लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ? तो मैं अभी अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। कोई क्वेश्चन है? अमूल का पोस्टर है मेरे पास, ग्रुप पोस्टर नहीं है। लता जी, मेरे पास ग्रुप पोस्टर नहीं है, अमूल का पोस्टर है, वो मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमारे मुंबई महाराष्ट्र की भी हालत बहुत ख़राब है, तो मुझे कोई भी शॉप ओपन नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अरेंज किए हैं।
सबसे पहले मैंने यहाँ अमूल का ये दूध लिया है आज, अमूल A2 बफेलो मिल्क, जिसका फैट कंटेंट बहुत अच्छा है और A2 इज़ वेरी गुड प्रोटीन फॉर हेल्थ। तो आज इसे यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसे मैंने बॉईल करने रख दिया है अभी। तो इस दूध को थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। मैं आप सब को ये बताना चाहूँगी कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ व्यंजन बनाना सीखे हिंदी में के ग्रुप की तरफ से, और वेरी मच थैंकफुल टू लता कपूर जी जिन्होंने हमारा एक ग्रुप बनाया है हम शेफ्स का, और हमें अमूल के साथ अपॉर्चुनिटी दी है वापस आके अपनी स्किल्स प्रेजेंट करने का। थैंक यू लता जी, थैंक यू अमूल, एंड लता जी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। तो हमारे ग्रुप की ये नवरात्रि स्पेशल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें रोज़ आपको एक होम शेफ़ आके अपने रेसिपीज़ शेयर करेगा। तो प्लीज़ सबके साथ जुड़े रहिए, हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे हम। आप सबकी कोई भी क्वेरीज़ हो, अगर मैं मिस कर जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वक्त सारे क्वेरीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगी, तो मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स का आंसर कर दूँगी। आप जो हमारा ग्रुप है व्यंजन बनाना सीखे हिंदी में बाय लता कपूर बाय होम पैराडाइज, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। FB पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत मोटिवेशनल शेफ्स को चांसेस देते हैं लता जी कि वो आके अपने स्किल्स बताएं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ग्रुप के साथ बने रहें। उसी के साथ मेरा FB पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब और गायत्रीज अल्टीमेट कुकिंग क्लब, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। साथ ही में मेरी इंस्टा ID है गायत्रीज कुकिंग क्लब एंड गायत्रीज अल्टीमेट केक्स, जिसमें आपको बहुत सारी केक्स की भी डिज़ाइंस मिलेंगी, और कुकिंग क्लब पेज पे आपको बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स भी मिलेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स मिलेंगे, और ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दूध हमने उबलने रखा है, मैंने यहाँ आधा लीटर दूध ही लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छी बनने वाली रेसिपी है। पूर्णिमा जी, मैं बना रही हूँ केसर पिस्ता फिरनी, नवरात्रि स्पेशल केसर पिस्ता फिरनी। तो अब ये दूध हल्का सा उबल चुका है, पूरी तरह से नहीं उबला है बट बॉइलिंग स्टेज पे है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये सामा के चावल, जिसे भगर भी कहते हैं, वरी के चावल भी कहते हैं। ये 1/3 कप है, मेजरिंग कप से मैंने 1/3 कप इन्हें अच्छी तरह से साफ करके 2-3 पानी से धो के करीब 1 घंटा भिगो के रख दिया था। तो अब इन्हें मैं डाल दूँगी इस दूध में। यूजुअली हम फिरनी में जो चावल होते हैं उनको भिगो के और फिर दरदरा थोड़ा सा पीस के ऐसे ही ग्रेनी टेक्सचर लाके बनाते हैं, तो ये तो है ही व्रत के सामा के चावल, तो इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अब इन चावलों को हम इस दूध के साथ पकाएंगे।
आपके कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ क्वेश्चंस डाल दें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो रेसिपीज़ अगर शेयर हो जाए तो ऐसे कई लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होती या नहीं ट्राई की होती रेसिपी, तो इसे देख के वो ज़रूर ट्राई करें। ऑफकोर्स यू कैन यूज़ बासमती राइस पुष्पा जी, बट सिंस हम नवरात्रि स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि हम नवरात्रि स्पेशल कर रहे हैं जिसमें व्रत होता है सबका, तो मैंने यहाँ पे व्रत के सामा के चावल यूज़ किए हैं। अगर आप रेगुलर बेस पे बनाना चाहते हैं तो आप बासमती राइस को थोड़ी देर भिगो के उसे हल्का सा दरदरा पीस लें, इट शुड हैव अ टेक्सचर ऑफ रवा लिटिल ग्रेनी, और फिर आप उसको इसमें डालें, एंड द क्वान्टिटी विल रिमेन सेम, 1/3 कप ऑफ राइस इन 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। तो क्योंकि ये समा के चावल हमारे भीगे हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लगेगा। थैंक यू आकांक्षा। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से बॉईल करेंगे हम, जैसे एक उबाल आएगा तो ये राइस भी इसके साथ पक जाएंगे। फ्रिज के चिल्ड्रे में ना एक डिब्बी में केसर पड़ा है, लेके चिल्ड्रे में तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे उबालना है। हमें ये चावल और दूध दोनों साथ में पकाने हैं। तो इसमें बॉईल आने लगा है अब इसे थोड़ा टाइम लगेगा और पकने में। क्योंकि फिरनी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, और जब हम खीर बनाते हैं खीर थोड़ी लिक्विडी साइड पे होती है बट क्रीमी होती है, और फिरनी जो होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, तो हमें इसे वही टेक्सचर देना है। हाफ लीटर में मैंने 1/3 कप समा राइस डाला है। 1/3 कप समा राइस को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश करके साफ करके 2-3 पानी से वॉश करके 1 घंटा मैंने उसे भिगो लिया था। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, 1/2 कप तक भी डाल सकते हैं, लेकिन
फिर क्या होता है, ये ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, फिर उसमें वो फिरनी का टेक्सचर नहीं होता, वो लंपी हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने इसे 1/3 कप ही सामा के राइस डालें, क्योंकि वो इसमें जाके फूलेंगे भी। और दूसरा ये कि थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए फुल क्रीम मिल्क ही लें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फुल क्रीम मिल्क जैसे अमूल गोल्ड है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन ऐसी है लॉकडाउन की कि मुझे वो नहीं मिल पाया। बट देन मुझे फिर अमूल का जब ये दूध मिला तो इसका भी फैट कंटेंट काफ़ी अच्छा है, बफेलो अमूल का मिल्क, और A2 है इसमें, तो प्रोटीन रिच भी है, इसलिए मैंने फिर इसे यूज़ किया है। तो अभी इसकी रिचनेस थोड़ी और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमूल घी, क्योंकि जब हम व्रत में होते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1 चम्मच जितना घी डालूँगी इसमें, सो दैट इसको एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर मिले। रिच टेक्सचर मिलेगा घी से इसको। तो ये अभी पक्के थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। और अब इसको मीठा करने के लिए आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, शुगर या शुगर पाउडर, बट मैं यहाँ अमूल का मिठाई मेट यूज़ कर रही हूँ। आप इट्स ऑप्शनल, क्योंकि मुझे इसको एक रिच क्रीमी टेक्सचर देना है, तो मैं अमूल का मिठाई मेट यूज़ करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं यहाँ करीब 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ। आप अगर शुगर डालना चाहें तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आ रही हो। अब ये अमूल मिठाई में डालते ही इसका जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी हो रहा है। अब क्योंकि हम केसर पिस्ता फिरनी बना रहे हैं तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा केसर। मैं डायरेक्टली फिरनी में ही डाल रही हूँ, मैंने केसर को भिगो के नहीं रखा है। तो केसर जो है अपना फ्लेवर इसमें छोड़ देगा, खुशबू छोड़ देगा, हल्का सा रंग छोड़ देगा। जैसे जैसे ये राइस पकेंगे बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह हो जाते हैं ये, वैसे वैसे ये फिरनी जो है हमारी गाढ़ी होती जाएगी।
तो केसर ने अपना हल्का सा माइल्ड येलोइश कलर भी छोड़ दिया है इसमें, और काफ़ी अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है फिरनी का। ये देखिए, अगर आप देख सकें, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरा घर का बनाया हुआ मसाला मिल्क पाउडर है, जिसमें इलायची है, ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा सा जायफल का पाउडर है, और केसर को मैंने प्रोसेस करके डाला है। जैसे कि केसर को एक टेम्परेचर पे सेका जाता है और उसके बाद उसको क्रश करके उसका पाउडर किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा कलर अच्छा छोड़ता है। तो क्योंकि ये होममेड है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ करें, अगर आप ना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डालूंगी मैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो मैं यहाँ आधा चम्मच ही डाल रही हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे जो इलायची और इसका जायफल का हल्का सा फ्लेवर चाहिए केसर का, तो वो आधे चम्मच में ही आ जाएगा। और मैं इसे घर पे बना के रखती हूँ, ये बहुत ही मतलब एरोमेटिक है और प्योर है, घर का बना हुआ है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो हल्का सा बढ़िया सा इसमें केसर का रंग आ गया है, खुशबू आ गई है अच्छी सी इलायची की। और अब इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम और काजू। और ऑफ कोर्स केसर पिस्ता फिरनी है, तो पिस्ता के बगैर कैसे चलेगा। तो हम डाल रहे हैं थोड़े से कटे हुए पिस्ता, तो इसे एक उबाल देंगे। ये काफ़ी हद तक क्रीमी और बढ़िया बन चुकी है, बस इस नट्स के साथ हम इसे उबाल लेंगे ताकि एक अच्छा सा इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाए। और ये जो नट्स हमने डाले हैं, इन सब का जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो इसमें उतर कर आए। ये लगभग तैयार है। आई होप आपको पसंद आ रही हो ये रेसिपी। अमूल के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, तो नो डाउट अमूल से बनी हुई जो भी रेसिपी है वो डेफिनेटली बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। रिसेंटली मुझे देखिए ये अमूल का मैंगो दही भी मिला है, एंड ये भी ट्राई करेंगे हम, अभी न्यू लॉन्च है शायद अमूल का। तो अमूल ऑलवेज कीप्स ऑन कमिंग अप विथ सम यूनिक आइटम्स, यूनिक प्रोडक्ट्स, और क्योंकि अमूल का ब्रांड है तो कोई मन में शक भी नहीं आता कि कैसे कंज्यूम करें। और ऑफ कोर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि क्योंकि मेरा चैनल 100K होने वाला है, तो उस पे मैं एक बहुत ही बड़ा गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑल का दबा दीजिए, ताकि आप भी उस गिव अवे का हिस्सा बन सकें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई जुड़ेगा और मेरा गिव अवे का प्राइस जीतेगा। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी फिरनी, गाढ़ी बढ़िया सी तैयार है, बहुत ही अच्छा रंग भी आ गया है इसका।
तो अब क्योंकि ये गर्म है तो इस वक्त ये मैं इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, ये अपने प्रॉपर कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। ये देखिए, अगर आप देख सकें, इससे ज़्यादा गाढ़ा मैं इसे नहीं करूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी होगी। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके बताऊंगी। तो क्योंकि हम फिरनी बना रहे हैं तो मैं इसे सर्व करूंगी कुल्हड़ में, जो एक्चुअली फिरनी के कुल्हड़ होते हैं उसमें सर्व कर रही हूं मैं इसे आज। तो ये हमने कुल्हड़ ले लिया है, इसमें मैं इसे सर्व कर दूंगी। इसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है। वैसे तो फिरनी ठंडी ही खाई जाती है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, जो मिट्टी के बर्तन की खुशबू आ जाती है इसमें और ठंडी ठंडी फिरनी का मज़ा लिया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन की ठंडक भी होती है और एक अच्छा सा गाढ़ा सा फ्लेवर होता है। बट क्योंकि अभी हमारे पास वक्त कम है तो हम इसे गर्म ही सर्व करेंगे। नहीं तो वैसे फिरनी को बनाकर अच्छे से इसी तरह से आप थोड़ी ठंडी हो जाए तो कुल्हड़ों में ही सेट करके आप इसे फ्रिज में रखें। मैं तो कहती हूँ फ्रिज में भी ना रखें, बाहर ही रखें। जो आपका कुल्हड़ है उसे मिट्टी का बर्तन होता है उसे पानी में अच्छी तरह से भिगो के रख दें, और फिर गीला होता है बर्तन, उसमें ऑलरेडी अपनी ठंडक होती है तो भी वो काफ़ी अच्छा टेस्ट और एरोमा देता है। तो इसके ऊपर अब हम, क्योंकि केसर पिस्ता फिरनी है, तो हम इस पर डालेंगे थोड़े से पिस्ता के फ्लेक्स। इसके साथ ही मैं, वैसे तो इसका केसर का पूरा अच्छा फ्लेवर है इसमें, लेकिन गार्निश के लिए एक दो केसर की पत्तियां रख देंगे इस तरह से। और गार्निश के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ एक दो गुलाब की पंखड़ियां, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें व्रत के हिसाब से, लेकिन वैसे गुलाब की पंखड़ियां आप यूज़ कर सकते हैं व्रत में, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं यूज़ करते तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसीलिए व्रत की रेसिपी हम बना रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें चांदी का वर्क नहीं लगाया है, नहीं तो फिरनी के ऊपर चांदी का वर्क बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं बस आपको दिखा देती हूँ अपनी प्लेटिंग, एक सेकेंड मैं आपको अपनी प्लेटिंग दिखा देती हूँ। तो ये हमारी केसर पिस्ता फिरनी बिल्कुल बनके तैयार है, देखिए। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो ये हमने बनाई है हमारे अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ।
ये देखिए, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। केसर पिस्ता फिरनी हमने बनाई है अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच अमूल वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं लाइव आ सकूँ और अपनी कुछ कुकिंग स्किल्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू लता जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एक बार तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ जुड़े और आपने अपना वक्त दिया और मेरी रेसिपी देखी। उम्मीद करती हूँ इस नवरात्र पे आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करना ना भूलें मेरे पेज पर गायत्रीज कुकिंग क्लब या इंस्टा पर गायत्रीज कुकिंग क्लब, साथ ही अमूल को टैग करना ना भूलें। और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और उम्मीद करती हूँ कि फिर से अमूल मुझे मौका देगा कि मैं आके आपके साथ कोई और रेसिपी शेयर कर सकूँ। टिल देन हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रमज़ान, स्टे सेफ, बी एट होम। थैंक यू।